ओम शांति। तो अभी हमने गीत सुना, होता क्या है भगत लोग भगवान के मंदिरों में जाते हैं और भगत चाहते हैं कि भगवान मेरी झोली भरे, लेकिन इस गीत में तो भगवान कह रहा है कि भगत तू मेरी झोली भर दे। जो दाता है, जो भाग्य विधाता है, जो वर दाता है, वो कह रहा है मेरी झोली भर दो। जिसका काम है देना 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 और देना, और अगर वो कहे तुम मुझे दो, तो अवश्य ही इसके अंदर कुछ रहस्य होगा। वो ऑर्डिनरी बात नहीं होगी कि तुम मुझे कुछ दो, वो कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं मांग रहा होगा। हम तो भगत तो जब भगवान से मांगते हैं ऑर्डिनरी चीजें, सामान्य चीजें मांगते हैं, जिसके लिए हाँ शिव बाबा ने आकर कहा कि तुम्हें तो मांगने की भी अक्कल नहीं थी, हाँ मांगते भी क्या हो, एक घर दे दो, एक बंगला दे दो, एक गाड़ी दे दो, एक बेटा दे दो, एक दुकान दे दो, एक नौकरी दे दो। वो जगत का पालनहार, वो वरदाता दाता है, सागर है, तुम मांग क्या रहे हो उससे। तो ऐसा भगवान जब कहे कि मेरी झोली भर दो, मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, जबकि भगत जाता है भगवान के द्वार पर मांगने, तो लेकिन यहाँ भगवान कह रहे मैं भगत के द्वार पर आया हूँ मांगने के लिए, मेरी झोली भर दो। और उसमें भी क्यों झोली भर दो, कहा कि देख पूरी धरती डोल रही है, पूरा गगन डोल रहा है, तू मान ले मुझे, मुझे पहचान ले, तू अपना सर्वस्व मुझ पर लुटा दे, अपना सकल अभिमान छोड़ दे, और परिणाम में क्या होगा, तेरा जन्म जन्म का फेरा उतर जाएगा, युगों युगों तक तेरी शान बनी रहेगी, इस कारण से मैं तुझसे मांग रहा हूं। तो क्या मांग रहा होगा वो झोली में, हाँ जो हमको कहता है तुम्हें अक्कल नहीं थी मांगने की। अगर वो हमसे मांग रहा है तो क्या मांग रहा होगा, विकारों का दान मांग रहा है। कैसे देंगे विकारों का दान, कैसे देंगे विकारों का दान, दिव्य गुण अपना के और शुद्ध संकल्पों से और योग बल से और ब्रह्मचर्य के पालन से और बाबा की श्रीमत पर चल के और हाँ पवित्रता धारण करके। तो ऐसे बहुत सारे आंसर जो बता रहे हैं कि हम इस रीति से विकारों का दान करेंगे, करेंगे या किया है, किया है पक्का पक्का, हाँ थोड़ा थोड़ा किया है। होता क्या है, हम वर्षों से
ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। और ज्ञान मार्ग पर चलना, जिसका अर्थ है हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, समझ की आँख मिली है। कौन से समझ की आँख मिली है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की नहीं। मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस से तो हम बहुत भरपूर हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की कमी थी, डिवाइन इंटेलिजेंस की कमी थी। तो वो दिव्य बुद्धि, वो दिव्य ज्ञान उसने हमें दिया। अब जब दिव्य ज्ञान मिल गया तो हमें क्या करना है? उदाहरण के लिए, ज्ञान क्या मिला? पहले दिन लेसन मिला कि पूछा गया तुम कौन हो? अज्ञानी थे तो उत्तर क्या होता है? हाँ, दादी जान की 3 बार ओम शांति करवाती थी और कहती थी एक ओम शांति मैं कौन हूँ, दूसरी ओम शांति मेरा कौन या मैं किसकी हूँ, और तीसरी ओम शांति मुझे क्या करना है, मैं किस लिए हूँ यहाँ पर, है ना? तो जब ज्ञान मिला तो उत्तर आया, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं किसकी हूँ? परमात्मा की हूँ। मैं किस लिए हूँ? मैं उसके कार्य में हाथ बटाने के लिए हूँ, है ना? उसके कार्य में मददगार हूँ ना मैं। बाबा कहते हैं ना मुरली में कि हम अपने ही तन मन धन से, मन वचन कर्म से इस धरती पर, तो काम तो उसका है, स्वर्ग बसाने तो वो आया, लेकिन हम क्या है? मददगार हैं। क्यों मददगार हैं हम? वो चाहे तो बना सकता है, परंतु हमारी मदद के आधार से हमारे भाग्य का निर्माण होगा। तो वो चाहे तो जादुई छड़ी घुमा दे, नर्क स्वर्ग बन जाएगा, इतनी ताकत तो वो रखता है। परंतु कहता है मैं भल ताकतवर हूँ, भल मैं सर्वशक्तिवान हूँ, परंतु मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, अर्थात इस सृष्टि के सुचारू रूप से चलने के लिए कुछ नियम, कुछ सिद्धांत, कुछ कानून, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉ है कि जिस प्रिंसिपल्स को, जिन सिद्धांतों को मैं सर्वशक्तिमान होकर भी तोड़ नहीं सकता, वरना ये सृष्टि का संचालन अच्छी रीति से नहीं हो सकता है। तो हर एक इन सृष्टि के नियमों से बंधा हुआ है और इसीलिए इस नियम के अनुसार कि जो करेगा सो पाएगा। हाँ, मंदिरों में उसके द्वार पर मांगने हम जा रहे थे ना, और इसीलिए उसे हमें देना है। लेकिन जो उसे हमें देना है उससे पहले उससे हमें कुछ लेना है, उसने हमसे कुछ लेना है। क्यों ऐसा है कि वो हमें कुछ दे इससे पहले वो चाहता है कि हम उसे कुछ दें? क्यों?
जब तक खाली नहीं होंगे तब तक भर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज दे रहा है जो डिवाइन है, जो पवित्र है, जो प्योर है, जो निर्मल है। तो उसको धारण करने के लिए हमारा पात्र भी वैसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा पात्र वैसा नहीं है और फिर भी वो डाल दे हमारे पात्र में, तो क्या होगा? क्या होगा? एक बर्तन में सब्जी बनाई गई है, पतीले में। शाम को दूध वाला आया है, ये वही पतीला है जिसमें मैंने दूध लेना है। क्या करना पड़ेगा? खाली करना, सिर्फ सब्जी निकाल देंगे बन जाएगा काम? साफ करना पड़ेगा। तब उस साफ पतीले में जो दूध लेंगे वो ठहरेगा, अर्थात टिकेगा, अर्थात दूध के रूप में बना रहेगा, काम करेगा, वरना तो वो दूध नहीं होगा, मिक्सचरिटी हो जाएगी। और इसलिए वो दूध की दूध की जो नरिशमेंट मिलनी चाहिए उससे, वो हमें नहीं मिलेगी। ठीक ऐसे ही बाबा जो हमें देना चाहता है वो तो दे भी थे, वो तो दे रहा है, रोका किसने है? हाँ, सूर्य है, आसमान में चमक रहा है, निष्पक्ष रूप से सबके लिए चमक रहा है। ऐसे नहीं कि जब कोई उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, सूर्य देव आ जाओ, गर्मी दो, प्रकाश दो, हमारे बिना कहे वो आसमान में उपस्थित हो जाता है, लेकिन खिड़की दरवाजे हमारे बंद है। तो ऐसे में हमारे घर के अंदर सूर्य की उपस्थिति का होना असंभव है। और इसलिए हमने खिड़की दरवाजे खोलने होंगे, तब जाकर उस सूर्य की गर्मी, उसका प्रकाश हम अपने घर में रह के अनुभव कर सकते हैं। एक झरना है जिसमें से पानी निकलता है, लेकिन उस जिस छेद में से झरने का जो मुख है उसमें काई कीचड़ जम गई है, पत्थर रख दिया गया है, उसमें से पानी रिसेगा बाहर? रिसेगा? नहीं रिसेगा। कब रिसेगा? जब वो पत्थर हटा दिया जाए, जब वो काई हटा दी जाए, जब वहाँ की चिकनाई जिससे वो मुख बंद पड़ा है उसको हटा दिया जाए, तब वो निकलेगा। कहने का तात्पर्य, झरने का स्वभाव है पानी को बहाना, सूर्य का स्वभाव है गर्मी और प्रकाश को प्रवाहित, उसमें से होता ही रहेगा, ये उसका स्वभाव है। इसलिए करेक्शन वहां करने की आवश्यकता नहीं होती है। करेक्शन कहाँ करने की आवश्यकता होती है? जिसने देना है वहां कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, जिसको वहां से लेना है करेक्शन उसको चाहिए। जब तक वो काई नहीं हटाएंगे, वो पत्थर नहीं हटाएंगे, झरने के मुख बंद पड़े हैं तो पानी वहां से मुझे मिलेगा नहीं। जब तक खिड़की दरवाजे नहीं खोलेंगे, वो तो बह रहा है, प्रकाश उसका प्रवाहित हो रहा है, पर मैं उसको अनुभव नहीं करूंगी। ठीक ऐसे
ज्ञान तो मिल गया मुझे, मैं आत्मा हूँ, पहले मैं शरीर हूँ, उसके बदले में क्या हो गया अभी, मैं आत्मा हूँ, पहले मैं किसकी हूँ, पहले ज्ञान में आने से पहले मैं शरीर हूँ, मैं शरीर की हूँ, जिसको हम कहते मेरा शरीर, मिरर के सामने जाके इसको मैं शरीर भी बोलते थे और मेरा शरीर भी बोलते हैं, ये मेरी उंगली है, तो मैं किसकी हूँ, मैं शरीर की हूँ, और इसलिए मैं किस लिए हूँ, मैं शरीर के लिए हूँ, मैं शरीर के लिए हूँ, और शरीर के लिए हूँ अर्थात इसमें जो ज्ञान कर्मेंद्रियाँ हैं उसके फुलफिलमेंट के लिए हूँ, इसकी इंद्रियां जो है इस शरीर में उनकी तृप्ति के लिए ही तो हूँ ना, वही तो कर रहे ना सारा दिन, आँखों को सुंदर सुंदर या कुछ भी, आँख सारा दिन कुछ ना कुछ देख रही है क्योंकि ये उसका विषय है, कान सारा दिन कुछ ना कुछ सुन रहा है, ये उसका विषय है, सुनना उसका काम है, आँख नहीं सुन सकती, कान नहीं देख सकता, तो उनका जो विषय है वो उसमें लगे पड़े हैं, हम उसको पूरा करने में अपने जीवन लगाए हुए हैं। लेकिन अब बाबा ने कहा, क्या कहो, मैं आत्मा हूं कहो, क्योंकि तुम देह नहीं, तुम शरीर नहीं, लेकिन इस देह के भीतर, इस देह को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा, और फिर उस आत्मा की, जैसे शरीर हो तो शरीर का डिटेल हमको पता था, आत्मा का डिटेल बताया, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और फिर मैं किसकी हूँ, मैं परमात्मा की हूँ, तो वो भी उन्हीं गुणों का सागर है, मुझे बता दिया। लेकिन फिर भी हमें शिकायत होती है, मेरा योग ठीक से नहीं लगता है, बता दिया कि तुम्हारी फ्रिक्वेंसी प्रेम की है, तुम्हारे वाइब्रेशन प्रेम के हैं, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मतलब क्या है, आत्मा ऐसे वाइब्रेट होती है जिसकी फीलिंग प्रेम है, मैं शांत स्वरूप हूँ का मतलब क्या है, आत्मा ऐसे वाइब्रेट होती है जिसकी फीलिंग शांति है, पूरा एनर्जी है ना, ये पूरा वाइब्रेशन का खेल है ना, ये आज देखो अभी गीत जैसे बजा कोई, तो कोई गीत सुनकर बहुत शांति की फीलिंग आती है, कोई गीत सुनकर पैर थिरकने आरंभ हो जाते हैं, कोई गीत सुनकर मनोबल ऊंचा उठ जाता है, कोई गीत सुनकर बोध हो जाता है, उसके शब्द, उसके वर्डिंग, उससे बोध हो जाता है, परंतु वास्तव में वो गीत अपने आप में क्या था, जिसने चाहे शांति की फीलिंग कराई, चाहे प्रेम की फीलिंग कराई, चाहे हौसले बुलंद हो गए, चाहे बोध हो गया, वो क्या था, अपने आप में एक वाइब्रेशन ही तो था, वो वाइब्रेशन ही होता है वो, लेकिन वाइब्रेशन अलग अलग पैटर्न के थे, वो जो उनका पैटर्न था, जो नमूना था वाइब्रेट होने का, एनर्जी का, वो अलग अलग किस्म का था, और अलग अलग किस्म में जब एनर्जी वाइब्रेट होती है तो एक अलग अलग फीलिंग का एहसास होता है, और उस फीलिंग को हमने नाम दिए, ये फीलिंग शांति है, ये फीलिंग खुशी है, ये फीलिंग
आनंद है, ये फीलिंग शक्ति है। आप देखो जब गीत बजते हैं तो जब कोई उत्सव हो घर में या सेंटर पे, तो बहनें यहाँ से ना कलेक्ट करके जाती हैं, फेस्टिवल वाले गीतों का कलेक्शन चाहिए भाई जी। और फिर भट्टी जब करानी होती है भाई जी, भट्टी कराने वाले ना शांति वाले गीतों का कलेक्शन चाहिए। करते हैं नहीं करते है ऐसा? तो है तो गीत ही, वो तो वाइब्रेट ही होगा ना, पर फीलिंग अलग अलग दे रहा है। और फिर हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए हमने उस सीडी पे नाम लिख दिया, उस फोल्डर पे नाम लिख दिया शांति, ताकि जब भी मुझे शांति की फीलिंग वाले गीत बजाने हो तो इस फाइल पे क्लिक कर डालूंगी। वो उत्सव वाले गीते को नाम लिख दिया, उत्सव या खुशी या कुछ भी फेस्टिवल लिख दिया, कि जब भी फेस्टिवल आएगा तो मैं इस फोल्डर को क्लिक करूंगी और इसमें से गाने बजेंगे और नाच गाने वाला एक उमंग उत्साह वाला वातावरण तैयार हो जाएगा। तो मैं क्या बताना चाह रही थी कि आत्मा बाबा ने कह दिया शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, हाँ जो सात गुण हम बताते हैं, अर्थात आत्मा इन सात पैटर्न में वाइब्रेट होती रहती है। अब जब वो आत्मा में ये फाइल्स है, ये पैटर्न्स है, वो वाइब्रेट होते रहते हैं, और परमात्मा भी शांति का सागर, प्रेम का सागर, तो वो भी उसी रीति से वाइब्रेट होते रहता है। और हम बोलते हैं जब फ्रिक्वेंसी सेम होती है तो कनेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर हम बोलते हैं कि योग लगता नहीं है, हम बोलते हैं योग लगता नहीं, जबकि भगवान ने बता दिया तुम्हारी फ्रिक्वेंसी मेरी फ्रिक्वेंसी एक है, बस फर्क इतना है तुम स्वरूप हो और मैं सागर हूं। क्यों नहीं लगता है योग? क्यों हम योग में जब बैठते हैं तो मन यहां से वहां उछाल मारता है? क्यों एकाग्र नहीं बैठता है? क्यों नहीं एकांत में खो जाता है? क्यों नहीं होता है ऐसा? पहले ही मैं बता दिया, सूर्य प्रकाश देना उसका स्वभाव है, झरना पानी देना उसका स्वभाव है, आत्मा सुख देना, प्रेम देना, खुशी देना स्वभाव है। तो वो तो दे रहे, वहां तो कोई करेक्शन नहीं, करेक्शन कहाँ आवश्यक है? वहां करेक्शन बताए खिड़की दरवाजे खोल दो। और अगर कोई कहे कि नहीं खिड़की दरवाजे भी खुले थे तो भी धूप नहीं आई, तो रात का समय हो गया तो, और अगर कहे नहीं रात भी नहीं थी दिन भी थी तो काले काले बादल थे, कुछ तो बीच में एक बाधक था कि जिसको हटाते ही प्रकाश गर्मी मिलना आरंभ हो गया। तो वो तो देता ही रहेगा, जो स्वभाव है वो सदा रहता है, और जो सदा है उसका अनुभव नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है। जो सदा नहीं है उसका अनुभव बहुत हो रहा है, हा? जो मेरा खुद का स्वभाव, जो आत्मा सदाकालीन है, हम कहते हैं ना अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो कल भी थी, वो आज भी है, वो कल भी रहेगी। ये शरीर कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा, तो ये विनाशी है। लेकिन इस विनाशी शरीर से इंद्रियों की पूर्ति करते करते, हाँ, वो डिजायर्स को फुलफिल करने के पीछे पीछे हमारे अंदर क्रोध जागृत हुआ, मोह जागृत हुआ,
लोभ जागृत हुआ, ईर्ष्या जागृत हुई, द्वेष जागृत हुआ, ठगी चोरी ये सब जागृत हुए, हेर फेर करना। आज कोरोना काल में तो कितना सीन सामने दिखाई पड़ा, दोनों प्रकार के लोग दिखाई पड़े कि जिनके पास जरूरतमंदों को देने के लिए कुछ था उन्होंने भी अपने खुले दिल से दिया, लेकिन जिनके पास मौके का फायदा उठाने की काली अक्कल थी उन्होंने भी खूब फायदा उठाया, उठाया ना सबने फायदा। तो काली अक्कल बहुत आ गई है ना सबको, और वही काली अक्कल मना कैसे किसको ठगना, क्यों? अपनी डिजायर के लिए, मैं बहुत धनवान बन जाऊं, मैं रूलर बन जाऊं, मेरा नाम हो, मेरा शान हो, मेरे नाम के डंके बजते रहे, मेरी महिमा के लोग गुणगान गाते रहे। और उस चक्कर में हम अपने सत्य से हटकर असत्य के रास्ते पर चल देते हैं, और जब असत्य के रास्ते पर चल देते हैं तो होता क्या है, भले हमने कोरोना काल में वो सब नहीं किया लेकिन बाबा कहते हैं, क्या था गीत में, जन्म जन्म का फेरा मिट जाएगा। तो बाबा ने क्या कहा हमें, पूरे युग की कहानी हमारे सामने रखी कि अभी संगम है, यहां से घर चलोगे, घर चल के फिर नए रीति से नया कल्प नया चक्र आरंभ होगा, कि जिस चक्र में पहले सत्ययुग और त्रेता इन दो युगों में जो आत्मा के गुण है सुख शांति प्रेम, वो बिना किसी मेहनत के जीवन में होंगे, अनुभव में होंगे, जीवन मुक्त स्थिति होगी, अर्थात जीवन में होंगे लेकिन दुख अशांति ईर्ष्या द्वेष नफरत टेंशन स्ट्रेस ये कुछ इनसे मुक्त रहेंगे, उसको ही कहते हैं जीवन मुक्त। और क्या कहा, इच्छा मात्रम अविद्या, और क्या कहा, विश्व के तुम मालिक होंगे, तुम रूलर होंगे, लेकिन चक्र घूमेगा आगे, समय बढ़ेगा आगे, द्वापर से क्या होगा, वो जीवन मुक्त स्थिति जीवन बंध में परिवर्तित हो जाएगी, वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति चाहिए चाहिए में बदल जाएंगी। और उसका एकमात्र कारण बताया, तुम स्वयं को भूलकर जो तुम नहीं हो उसको मैं समझना शुरू करते हो, अर्थात सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस बन जाते हो। और वहां से कहा बाबा ने कि उन दो युगों में तुम्हारे कर्म अकर्म होंगे, लेकिन ये बाद में द्वापर से तुम कर्म बंधनों में बंधते जाओगे, एक एक बंधन, देह का बंधन, देह के संबंधियों का बंधन, देह के कर्मों का बंधन, बंधनों में हम फंसते गए। और फिर आया संगम, आके सब क्लैरिटी की। तो क्या बताते हैं हम, पहला लेसन, एक तो बताया आत्मा है,
शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये जो गुण हैं। और फिर उसके बाद हम ये भी बताते हैं आत्मा के पास तीन फैकल्टीज हैं, मन है, बुद्धि है, संस्कार। फिर उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, मन है ना हमारी थिंकिंग फैकल्टी है, अर्थात वो सोचता है। बुद्धि है ना हमारी डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है, अर्थात मन जो जो सोचता है वो बुद्धि के सामने डॉक्यूमेंटेशन करके रख दिया जाता है। बुद्धि वो सारे डॉक्यूमेंट को पढ़ती है और डिसाइड करती है कि इसमें से क्या करना उचित है और क्या नहीं, फैसला देती है। और उसका फैसला सुनने के बाद कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। और फिर जो कर्म हम करते हैं आत्मा का उस पर इम्प्रेशन छपता है। इधर हम कर्म करते हैं प्रैक्टिकल फील्ड में कर्मेंद्रियों के माध्यम से, और इधर आत्मा जो सूक्ष्म है उसके ऊपर उसकी छाप, किए हुए कर्म की छाप पड़ती जाती है। क्या है वो छाप, जिसको हम कहते हैं संस्कार। कि कोई भी कर्म जब बार बार रिपीट करते हैं तो वो ले लेते हैं किसका रूप, संस्कारों का रूप। तो बाबा ने कहा वो शांति, प्रेम, खुशी, वो भी हमारे संस्कार ही है ना, मतलब वो भी एक छाप ही है ना। तो मैं हूँ शांत स्वरूप माना वो भी संस्कार है, लेकिन मैंने जो द्वापर में सोल कॉन्शियस भूल के बॉडी कॉन्शियस में आई, कामनाएं जागी, इच्छाएं जागी, उसको पूरा करने में लगे तो पूरी होने में बाधा आई, तो किसी पे गुस्सा कर दिया, प्राप्त हो गई, दूसरे के कंपैरिजन में बड़े हो गए तो ईगो आ गया। हाँ, और जब कहते हैं ना कि कामनाओं की कभी तृप्ति नहीं होती है तो लोभ बढ़ता गया, और वो मेरे से छूटे नहीं तो मोह बढ़ता गया। तो ये जो भी कर्म किए आत्मा के ऊपर उसके इम्प्रेशंस, उसके छाप पड़े। अब ये जो छाप है आत्मा को पूरा कवर कर डाला। हाँ, जैसे कहा ना कि झरने में से तो पानी निकलता है, नो डाउट, झरना होता ही है पानी बहाने के लिए, बहता रहता है, परंतु क्यों नहीं निकल रहा है, मुख पर काई है, पत्थर है। सूर्य का तो स्वभाव है लाइट देना, प्रकाश देना, पर मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, खिड़की दरवाजे बंद है, या तो काले काले बादल आ गए हैं। तो अब आत्मा के ऊपर बॉडी कॉन्शियस में रहकर जो भी कर्म कर डाले हमने 63 जन्मों में, उसके काले काले बादल खड़े हो गए। सूर्य की उपस्थिति से ही सागर का पानी बाष्पीकृत होता है, भाप बनता है। अगर सूर्य न हो तो सागर का पानी भाप नहीं बन सकता है। तो सूर्य के कारण से ही सागर का पानी भाप बना, और वो ही रोज बनते 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 काले काले बादल बन गए, और वही सूरज के मार्ग पे जाके खड़े हो गए, और उसने ही सूर्य का दर्शन दुर्लभ कर दिया। सूर्य के कारण से ही भाप बनी थी, पर वही भाप जिसके कारण से बनी उसी के अस्तित्व को जैसे कि गुम कर दिया उसने,
और इसलिए अब उसकी वो गर्मी और वो प्रकाश नहीं अनुभव हो रहा। ऐसे ही आत्मा है तो ही देह का अस्तित्व है, वरना नहीं है। और इसीलिए आत्मा है तो कर्मेंद्रियां कर्म कर रही है। जिस दिन इसको डेड बॉडी डिक्लेयर कर दो आत्मा चली गई तो ये कुछ करेगी क्या? तो आत्मा की उपस्थिति से ही ये शरीर ये कर्मेंद्रियां कर्म करती है और फिर इसी कर्म के इम्प्रेशंस आत्मा पर पड़ते हैं और ऐसे काली काली घटाएं छा जाती है कि अब आत्मा का ही दर्शन नहीं होता है, आत्मा का ही दर्शन नहीं होता है। तो भले मुझे ज्ञान मिल गया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की हूँ, मैं परमात्मा का जो कार्य है कल्याण का, उस कल्याण के कार्य के लिए हूँ, परंतु फिर भी शिकायत यही है, कल्याण वाले कार्य कम होते हैं। कल्याण कर भी दिया ना तो मैं और मेरे में आ जाते हैं, ये मैंने किया, ये मेरा है, मेरा नाम मान शान क्यों नहीं हो रहा है? होता है ना? तो हमने क्या कर दिया, ये सब इस प्रकार की इच्छाएं रखकर काले काले बादल चढ़ा दिए आत्मा के ऊपर। और इसलिए जो आत्मा का सहज स्वभाव है कि शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, इसका हमने जैसे ही ज्ञान मिला हमने खूब अभ्यास कर डाला, खूब कमेंट्रियाँ सुनी, खूब गीत सुने, खूब व्याख्यान सुने, उस समय तो लगता है हाँ मैं प्रेम स्वरूप का अनुभव हो रहा है, लेकिन बाद में नहीं होता है ना। तो इससे क्या पता चलता है, ये जब तक काले काले बादल को नहीं हटाएंगे ना, लाख बार मैं बोल दूं मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, किया है ना सभी ने अभ्यास, कमेंट्री के द्वारा भी योग किया है ना सभी ने, और बहुत अच्छा अनुभव भी करते हैं ना, लेकिन फिर क्या हो जाता है? क्यों हमने आपको इस भट्टी में व्यक्तिगत कमेंट्रीज नहीं दी? जरूरत कहाँ है काम करने की? अभी मैं तो हूं ही प्रेम स्वरूप, नो डाउट, पर वो प्रेम के वाइब्रेशन बाहर क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि रास्ते में काले काले बादल खड़े हैं। जब तक उसको नहीं गिराएंगे तब वो काले काले बादल बारिश के रूप में जब तक बरसते नहीं है आसमान साफ नहीं दिखता है। तो जब वर्षा ऋतु में बहुत काले काले बादल होते हैं आसमान में और वो हर दिन थोड़े थोड़े समय पर बारिश करते करते वो दशहरे के आसपास तक पूरे जब साफ हो जाते, शरद पूर्णिमा के दिन आसमान कितना क्लियर दिखता है, कितना चांद खिला खिला दिखता है, 16 कला संपूर्ण दिखता है। क्यों? सारी काली घटाएं समाप्त हो गई। तो ये जो काली घटाएं आत्मा के ऊपर है, इस पर जब तक काम नहीं करेंगे, चाहे कितनी ही कमेंट्रियां सुन लो, उस समय तक ठीक है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन तो है, जैसे कहते हैं ना गाय का जो गोबर होता है ना, उसके ठेपले कहो कि गोल गोल लड्डू बना के ऐसे थेपला जैसा बनाते हैं ना और ऐसे दीवार पे फेंकते हैं तो चिपक जाता है, लेकिन जैसे ही उसको हवा और धूप और गर्मी मिलती है
उसमें जो भी नमी है वो सूखती जाती है और वो चिपका हुआ ठेपला बोलो जो भी क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं, धोप क्या बोलते हैं, जो भी समझ तो गए ना भाव को, वो जो चिपका हुआ था अभी गिरने लगता है, अभी वो गिरने लगता है। तो इन काले काले बादलों को हमें गिराने की आवश्यकता है और इनको गिराना माना, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना, मैं आत्मा तो हूँ, प्रेम स्वरूप तो हूँ, शांत स्वरूप तो हूँ, व्यवहार में मैंने क्रोध किया क्यों। चलो स्वभाव मतलब वो द्वापर के जो संस्कार बने हैं उस कारण किया, मतलब मैं अवेयर नहीं थी अपने प्रति। कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो मैं प्रेम स्वरूप होते हुए, मैं शांत स्वरूप होते हुए गुस्सा किया माना, क्लियर है सावधानी हटी है इसलिए दुर्घटना घटी है, और इसलिए सजग रहना कितना आवश्यक है। तो अब जो रियल पुरुषार्थ है ना वो ये कमेंट्री का नहीं है, रियल पुरुषार्थ अवेयरनेस का है, रियल पुरुषार्थ फोकस्ड रहने का है। तब मैं जब अवेयर रहूंगी मैं आत्मा हूं जिसका स्वभाव प्रेम है, इसको बहने दो, यहां चाहे कोई भी परिस्थिति आ रही हो वो परिस्थिति कारण नहीं बने इस प्रवाह को रोकने के लिए। ये अवेयरनेस, और इसके लिए जब कर्म करूं निष्काम कर्म करूं, वहां हमारे कर्म अकर्म थे तो जीवन मुक्त थे, अर्थात ये बादल उसके ऊपर नहीं थे, लेकिन द्वापर से इसके ऊपर बंधन बनते गए। इसके लिए क्यों? क्योंकि कर्म निष्काम, निष्काम माना कामना से मुक्त, लेकिन कामना से मुक्त नहीं थे, सकाम कर्म थे कि ये करने के बाद ये मिलना चाहिए, जिसको गीता में भक्ति में भी पढ़ते थे कर्म किए जा, कर्म पर तेरा अधिकार है, पर कर्म फल की इच्छा मत रख क्योंकि वहां तेरा अधिकार नहीं है। कर्म फल मिलेगा तुझे, डेफिनेटली मिलेगा, पर इच्छा के अनुसार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्रिंसिपल्स है बहुत, पर मैंने जब कर्म किया था वो सब प्रिंसिपल्स ध्यान में थोड़ी रखे थे मैंने, लेकिन अपनी इच्छा के मुताबिक रिजल्ट चाहती हूं। लेकिन भगवान खुद बंधा हुआ है नियमों में, तो हम भी तो नियमों में बंधे हैं। ये जो हम कहते हैं ना अंत समय में यमदूत आते हैं, या बाबा जो कहते हैं कि धर्म राजपुरी से गुजरना पड़ेगा, ये कुछ और नहीं, आत्मा पे जो ये हमने काले काले बादल भी चढ़ाए, ये भी पढ़ा है हिसाब किताब, कर्म के सिद्धांत भी पढ़े हैं कि ये कर्म की ये रिजल्ट, ये कर्म की ये रिजल्ट। जैसे एक न्यायाधीश, उसके पास पुस्तकें पड़ी है न्याय की, कुछ स्टडी करके अंदर भरा है और कुछ यहाँ रखा है कि अगर कुछ कन्फ्यूजन हो जाए तो खोल के रेफरेंस देख लूँगा और उसके अनुसार घोषित करूंगा, निर्णय दूंगा। अंदर में सब कुछ फिट है, हमने कौन सा कर्म किया है। मिस्टेक्स ज्ञान में आने के बाद भी, चलो 63 जन्मों का नहीं पता था अज्ञानता में हुआ, जिस दिन तक बाबा का ज्ञान नहीं मिला था अज्ञानता में किया, लेकिन जिस दिन बाबा का ज्ञान मिला
उसके बाद की चेकिंग, वरना ज्ञान में होना और न होना एक बात हो जाती। वो तो बाहर का परिवर्तन हुआ ना, तो आत्मा के ऊपर की मैल को पहले निकालना है, बजाय इसके कि आत्मा की रोशनी, आत्मा का प्रेम बाहर आए। बल्ब जलता है, देखा है ना बल्ब, अंदर उसका फिलामेंट होता है, बाहर कांच की कवरिंग होती है। स्विच ऑन करो, फिलामेंट जलता है, प्रकाश फिलामेंट से निकलता है, कांच से नहीं। लेकिन फिलामेंट से निकलने वाला प्रकाश, प्रकाश का स्वभाव है गमन करना, प्रवाहित होना। तो वो जो कांच की जो कवरिंग है उसके अंदर जो स्पेस है वहाँ वो प्रवाहित हो रहा है, और चूंकि कांच ट्रांसपेरेंट है तो उसको भी भेद कर बाहर आ रहा है। और इस प्रकार से हम एक बल्ब जलाते हैं तो अंधकार भागकर प्रकाश होता है। लेकिन उस बल्ब की अगर सफाई नहीं की जाए, रोज धूल मिट्टी आदि उड़ती है, हाँ, और जब कभी आपका घर ट्रैफिक वाले स्थान पे हो तो देखो कितनी धूल होती है, हाँ, और कभी अगर आपके घर में या आपका घर ऐसी जगह पर हो, हलवाई की दुकान है, तो तेल की धुआं आदि, अपने किचन को ही देख लो ना, किचन में जहाँ तड़के वड़के लगते रहते हैं, ऊपर में जो बल्ब होता है उसकी गंदगी, और दूसरे कमरे में लगा बल्ब उसकी गंदगी में अंतर होता है, नहीं होता है, होता है ना। तो एक कपड़ा होता है डस्टिंग के लिए, एक कपड़ा होता है पोछा लगाने के लिए, एक कपड़ा होता है किचन में, नहीं यूज करते हैं ना किचन में खाना बनाते समय, तो जिसपे तेल दाग धब्बे हल्दी आदि सब उड़ के लग जाता है। अब जब इनकी धुलाई करनी हो, सबसे कम मेहनत किस में लगेगी, डस्टिंग वाले में, उससे ज़्यादा। अब मैं अपने आप को देख लूँ, मेरे आत्मा के ऊपर जो कवरिंग रूपी कपड़ा है वो कौन सा वाला है, डस्टिंग वाला, पोछे वाला, किचन वाला। डस्टिंग वाला थोड़ी सी मेहनत से धुल जाता है, तो हमने कितना प्रयास कर लिया है ना ज्ञान में आते, अभी तक नहीं धुला ना, हाँ अभी तक नहीं धुला ना। तब कहा वो किचन वाला, जिसमें सिर्फ सरफ साबुन पावरफुल नहीं, गरम भी करना पड़ेगा, सटके भी लगाने पड़ेंगे। तो ये भट्टी क्या थी, योग अग्नि में तपने का चांस था, कि जिस योग अग्नि में, योग तपस्या में बैठकर भीतर झांको इस मल को निकालने का। और तरीका क्या है, अब तक जो हो गया है वो बाबा को, आज बाबा ने कहा ना सच्चाई और सफाई की बात कही, सच्चाई से उसके सामने मैं जो हूँ जैसा, उसने तो बता दिया बेटा तू कैसा है, उसने कहा जैसा मैं हूँ वैसा ही तू है, परंतु फिर ये भी बता दिया कि तूने इस साइकिल में आके अपने ऊपर ये बंधन डाल दिए, इसलिए अब तू जैसा है वैसा मेरे सामने रख। 63 जन्मों का भले मैं नहीं बता सकती बाबा को, इस जन्म का भी चलो पहले वाला जब तक ज्ञान नहीं मिला चलो वो भी नहीं बताए समझो, लेकिन ज्ञान में चलने के बाद तो कुछ गलतियां जो की है, जो करके फिर कहते अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको, ये छोटी छोटी गलतियां भी होती है। तो कुछ बाबा ने जो आज्ञाएं दी है, जो मर्यादाएं दी है, उनका भी उल्लंघन होता रहता है।
साथ साथ में कुछ बड़ी बड़ी गलतियां भी होती है, जिसको हम कहेंगे पाप, जिसको हम कहेंगे अनैतिकता वाले काम, और जिसको हम कहेंगे कि किसी के दिल को गहरी चोट हमारे व्यवहार से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से, उसकी हम चेकिंग करें और वो सब बाबा को दे दें। बाबा मुरली में कहते, अभी नहीं करोगे फिर बाद में खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, पश्चाताप की अग्नि में जलना होगा। उसका कारण क्या है? पश्चाताप ही एक अग्नि है जिसमें इस मल को जला सकते हैं। तो क्यों नहीं वो अंतिम समय वाले पश्चाताप की, जिसके बाद चांस नहीं है ठीक होने का, कि जिसके बाद पुरुषार्थ करने की कोई मार्जिन नहीं है, क्यों नहीं जब मार्जिन है उस समय अंदर में अपनी चेकिंग करके उस सच्चाई से बाबा के सामने सब रख के उसके साथ प्रॉमिस करूं, उसको कहूं कि बाबा आप सदा मेरे साथ कंबाइन रहो, तभी तो सजग और सावधान रहेंगे, और जब सावधान रहेंगे तो दुर्घटनाएं नहीं घटेगी। तो आत्मा के ऊपर की कवरिंग को ही निकालना, उसके लिए ही मौन की आवश्यकता होती है। जितना आप मौन में रहेंगे ना, आपको थोड़ा ज्ञान सिमरन करना है, अच्छा ये ज्ञान ऐसा है पर मेरा जीवन क्या है, कितना उतरा है, ये आपको अपने आप से बातें करनी है। और वो जब बातें करके रियलाइज कर लोगे सचमुच मैं बाबा के जो ज्ञान दिया है उस अनुसार नहीं चल रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ मैं, ये रियलाइजेशन उस लेयर को गिराएगी। कहाँ ना वो थेपला जो लगाया है, कंडा, कंडा भी बोलते शायद कोई, लेकिन कंडा शायद सूखे वाले को बोलते हैं, है ना? तो ये जो गीला वाला है उसको धूप मिलती रहती है, गर्मी मिलती रहती है, हवा मिलती रहती, सूखता जाता है, गिरता। तो अंदर में जब ये वार्तालाप करेंगे ना खुद से, तो ये जो लेयर्स चढ़ गई है ना बंधन की, जो आत्मा के उस पार, समझो ये आत्मा है और इसके ऊपर कहा ना कांच के ऊपर की लेयर, तो बाहर नहीं आएगी ना, लेयर चढ़ जाएगी तो उसके ऊपर, तो वो नहीं आ रही। लेकिन कहा गिरेगी, कैसे गिरेगी? ज्ञान का चिंतन, अंदर में रियलाइजेशन। आजकल शायद मेडिकल फील्ड में एक वो टेक्निक यूज़ की जाती है जिसमें कहते हैं पिछले जन्मों में लेकर जाते हैं, कि वर्तमान में वो जो पेशेंट किसी शारीरिक प्रॉब्लम की चर्चा डॉक्टर के सामने कर रहा है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, डॉक्टर तो फुल चेकअप कर रहा है उसको, वो दिखाई नहीं दे रही, और तब वो सोचता है शायद इसके चित्त में कहीं तो भी ऐसी बात पूर्व जन्मों की पड़ी है, और फिर वो रिवाइंड करते हैं। पिछले जन्मों में ले जाने की भी टेक्निक है कि जिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर जाते हैं, लेकर जाते हैं, तब तक लेकर जाते हैं जब तक कि उन्हें ऐसा कोई सीन नहीं दिखाई देता है कि जिस सीन के देखने के बाद जो प्रॉब्लम की बात कर रहा था पेशेंट, अब वहाँ से निकल गई है। इसका मतलब क्या? गलतियाँ जो की है अंदर स्टोर है, परंतु सिर्फ देखना, रियलाइज़ करना कि हाँ मैंने पास्ट में ये कुछ किया है, उसका बोध होने के बाद अब पेशेंट जो वो कंप्लेन करता था खत्म। तभी तो बाबा कहता है मुझे लिख कर दो, अर्थात रियलाइज करो कि मेरे से ये हुआ है,
और वो जैसे ही रियलाइज करेंगे वो लेयर अपने आप गिर जाएगी, और जैसे ही वो लेयर के ऊपर लेयर हमारे अभ्यास से गिरती जाएगी, कांच साफ हो गया, प्रकाश बाहर आएगा या नहीं आएगा? मैं न भी बोलूं कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मेरे से प्रेम बाहर आएगा। मैं न भी बोलूं मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरी बाहर आएगी, क्योंकि बाधा कहीं नहीं है। वो तो उसका स्वभाव है, आत्मा का एनर्जी का स्वभाव है, प्रेम के पैटर्न में, शांति के पैटर्न में, खुशी के पैटर्न में प्रवाहित होते रहना उसका स्वभाव है। स्वभाव के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस उसके रास्ते में जो रोड़े हैं उसको हटाना पड़ता है। तो आशा करती हूँ 3-4 दिन की भट्टी में अवश्य ही जो इंट्रोस्पेक्शन का समय दे रहे थे हम आपको मिल रहा था। हम ये नहीं कह रहे कि पूरी ही लेयर्स एक भट्टी में उतर जाएगी, बट रियलाइजेशन तो हम करते हैं ना। कहते बुद्ध के जीवन में कोई एक बार व्यक्ति आया, मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बुद्ध ने कहा एक साल के बाद मौन धारण करो और फिर मेरे पास आना। एक साल के बाद मौन धारण करने के बाद वो व्यक्ति पुनः आया। बुद्ध ने कहा बताओ, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मौन में रहने के बाद ही अंतरात्मा की आवाज़ सुनी जा सकती है और उस अंतरात्मा की आवाज़ को प्रैक्टिकल किया जा सकता है, जिसके आधार से लेयर के ऊपर लेयर जो चढ़ी हुई है वो सूखती है, वो गिरती है। तो कई बार बिना कमेंट्री के जब योग में बिठाते तो क्या कहते लोग, नहीं कुछ कुछ तो आने दो ना, देखो ना कैसे इच्छाएं उठ रही है, उसमें बहो मत, उसी प्रवाह में बहने की आवश्यकता नहीं, उसको देखो कैसे वो इच्छा उठती है। और जब मैं उसको साक्षी होकर देखता हूँ तो कैसे वो कमज़ोर होकर गिर भी पड़ती है, फिर पुनः कुछ क्षणों के बाद फिर वही इच्छा ताकतवर होकर उठती है, फिर मैं उसको देखता हूँ फिर वो गिरती है। तो जब ये बार बार अभ्यास करेंगे तभी तो गिरेगी वो, नहीं तो गिरेगी नहीं। वो इच्छाओं के साथ बहते जा रहे तो इच्छाएं बढ़ती जा रही है, और उसकी पूर्ति के लिए फिर ये क्या होता है, कहा कि आत्मा के ऊपर लेयर चढ़ गई तो न सिर्फ प्रेम का रास्ता बंद हुआ, ज्ञान का भी तो रास्ता बंद हुआ ना। तब कहा ज्ञान रूपी नेत्र बंद हो जाता है, और जब ज्ञान रूपी नेत्र बंद हो जाता है हम क्या गलत कर रहे, गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो हमको पता एहसास भी नहीं होता कि हम कुछ रॉन्ग कर रहे हैं। और इसलिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। मैं आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, सिर्फ तोताराम की तरफ बोलना नहीं है, हर प्रैक्टिकल कर्म करते समय वो अवेयरनेस रहे। तो मैं आत्मा हूँ अर्थात कर्म करते समय वो शांति, वो प्रेम, वो ज्ञान भी बहे, ज्ञान भी बहे अर्थात ज्ञान के अनुरूप मेरा कर्म हो। ठीक है परिस्थिति आई है, लेकिन ज्ञान क्या कहता है, वो तो परिस्थिति है ना, आएगी और जाएगी। तुम तो अब अपने स्वस्थिति पे आसन में अडिग होकर बैठो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो क्या मांग रहा है पता चला, क्या मांग रहा है, वो दाता है वो, उसको हमसे क्या चाहिए। तो उसको पता है ये लेयर्स चढ़ा दी है बच्चों ने, ये लेयर्स मैं, मेरा, तू, तेरा करने के कारण ही सारे विकार हुए, ये सब मेरी झोली में डाल दो तो तेरा जन्म जन्म का फेरा सुधर जाएगा। ये गगन, ये धरती जो डोल रही, कांप रही है, चारों तरफ नकारात्मकता है, चारों तरफ अशांति मची हुई है। आज बाबा ने कहा ना माया के तूफान,
ये सब शांत हो जाएंगे। तो इस भट्टी से अभी भी समय है तो जरूर उस भगवान की झोली भर के जाना। हाँ, भगवान के घर पे आकर आपने भी झोली भरी है अपनी उससे, तो वो जो मांग रहा है उसकी झोली में वो भी डाल के जाना, तो भट्टी में आना सफल हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस मौन में रहने की वहाँ जाने के बाद भी कायम रखना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंटिन्यूस कर पाओगे, लेकिन जैसे का कुछ दिन का, जैसे कुछ दिन आपने अभ्यास के लिए निकाला ना, चलो 3-4 दिन तो सही हम करके आएंगे, ऐसे वहाँ जाने के बाद भी कुछ दिन तो अपने आप को अभ्यास में डालेंगे अवेयरनेस के। चलो हर दिन साइलेंट में ना रहे, सप्ताह में एक बार तो रह सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन तो कर सकते हैं। तो ये यहाँ से ये भी दृढ़ संकल्प करके जाना, तो अवश्य ही जैसे हम देख रहे हैं समय बहुत नज़दीक है, हम तैयार हो न हो पर्दा तो खुलेगा ही, फिर हम जैसे होंगे वैसे दिखेंगे। इसलिए पर्दा खुलने से पहले पूरा डेकोरेशन हो जाए हमारा, पूरी लेयर्स उतर जाए और चमचमाती हुई कांच ट्रांसपेरेंट जिसमें से प्रकाश बाहर निकल रहा है वो दिखाई पड़े, अर्थात अपने आप हमारे चलन से और चेहरे से सेवा होती रहेगी, क्योंकि अभी वाचा सेवाएं भी धीरे धीरे है ना, जैसे जैसे समय पता नहीं कब क्या होगा, तो हमें अपने चलन और चेहरे से सेवा करनी है। हम अपने आप में एक लाइट हाउस माइट हाउस रहेंगे, हम न भी बोले तो भी रोशनी शक्ति मिलती रहेगी लोगों को। तो ये तब होगा जब भगवान की झोली भरेंगे, तो वो तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, उसकी झोली भर देना। ओम शांति।